सबको मेरा शुभोदय। आज हम सातवीं कक्षा की हिंदी में पाठ 4 मैं भी नाम कमाता इसके प्रश्नोत्तर को सीखेंगे। अभ्यास, उत्तर लिखो। बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? उत्तर, बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है। दूसरा प्रश्न, बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है? उत्तर, बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है। प्रश्न 3, बालक किस में भर्ती होना चाहता है? बालक बड़ी फौज में भर्ती होना चाहता है। प्रश्न 4, माँ कब खुश होती है? उत्तर, माँ तब खुश होती है जबकि अपना बेटा राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करता है। प्रश्न 5, बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? उत्तर, बालक झटपट से बड़ा होना चाहता है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न 1, बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है? उत्तर, बालक रोज सीमा की खबरें सुनता था, वह भी फौज में भर्ती होकर बंदूक हाथ में लिए शत्रुओं से लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना चाहता है, किंतु वह अभी छोटा बच्चा होने के कारण वह महसूस कर रह जाता है। प्रश्न 2, अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता? उत्तर, अगर बालक छोटा नहीं होता तो हाथ में बंदूक लेकर देश की सीमा पर खड़ा हो जाता, शत्रु से देश की रक्षा करने के कारण नाम कमाता था। प्रश्न 3, बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? उत्तर, बालक झटपट बड़ा होकर बड़ी फौज में भर्ती होना चाहता है, देश की सीमा पर खड़े होकर शत्रुओं से देश की रक्षा करना, नाम कमाना और राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है, इसमें माँ को भी खुश देख पाता। इन पद्य भागों को जोड़कर लिखो। रोज रोज सीमा की खबरें, अगर न होता छोटा बच्चा, झटपट होकर बड़ा फौज में, माँ कितनी खुश होती जब मैं। इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखो। पहला, खबर, खबरें, लड़का, लड़के, हाथ, हाथ, पुरस्कार, पुरस्कार। अन्य वचन का मतलब है वचन बदलिसी बरेरी, एक वचन बहुवचन, हिंदी में भी इसको एक वचन और बहुवचन कहते हैं। इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। पहला, बड़ा छोटा, एक अनेक, सुख दुख, पाना खोना। नेक्स्ट हेडिंग, द्विरुक्ति शब्दों को पढ़ो और लिखो। यहाँ पर द्विरुक्ति शब्द दिए गए हैं, कन्नड़ में भी ऐसा व्याकरण होता है द्विरुक्तिगळु। द्विरुक्ति का मतलब है एक ही शब्द को दो बार दोहराना। उदाहरण, रोज रोज, आपको भी यहाँ वैसे ही लिखना है रोज रोज। धीरे धीरे, धीरे धीरे, आप अपनी पुस्तक में जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर इसी तरह लिखते जाइए। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, पल पल,
पल पल, सुन सुन कर, सुन सुन कर, मुस मुस कर, मुस मुस कर, एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग, समानार्थक शब्द लिखो, समानार्थक पद बरेरी, यू हैव टू राइट द सेम मीनिंग वर्ड्स। उदाहरण, लड़का, बच्चा, ऐसे ही दूसरे शब्दों को भी आपको समानार्थक शब्द लिखना है। खुश, खुश का मतलब संतोष। पुरस्कार, दूसरा मतलब भी होता है इनाम, पुरस्कार को इनाम भी कहते हैं। ऐसे ही फौज, फौज यानी सेना। रोज, प्रतिदिन, खबर, समाचार। बिना बारह घड़ी वाले, बिना मात्रा वाले कुछ शब्द लिखो। नमूना, यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, क ला, यहाँ पर किसी भी बारह घड़ी को नहीं यूज़ किया, ऐसे ही केवल अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। आपको भी ऐसे ही शब्दों को बनाना है, जैसे कि क ल, कल, प व न, पवन, उ प व न, उपवन, ऐसे ही दो अक्षर वाले शब्द हैं ये, और ये तीन अक्षर वाले शब्द, और ये चार अक्षर वाले शब्द। नल, फल, जल, पवन, नमन, कमल, महल, उपवन, बरगद, बर्तन, अजगर। रचनात्मक अभिव्यक्ति, चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करो। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है ये, तो इसमें कुछ शब्दों को भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सफ़ेद, तीन, सलाम, चक्र, तिरंगा, केसरिया, हरा। इन शब्दों की सहायता से हमको कुछ वाक्य बनाने हैं। यह तिरंगा झंडा है, इनमें तीन रंग हैं, सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है, सबसे नीचे हरा रंग है, बीच वाली पट्टी पर एक चक्र है, हम तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, इन शब्दों को पढ़ो, समझो और लिखो, ये आपकी पुस्तक में लिखने वाली चटवटिका है। आपको एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, खबर, खबर, जैसे यहाँ दिया गया है उसी तरह आपको यहाँ पुस्तक में भी, आपके पुस्तक में लिखना है। ओके, राइट इन योर टेक्स्ट बुक एज इट इज गिवन हियर। रोज, रोज, नन्हा, नन्हा, बच्चा, बच्चा, बंदूक, बंदूक, झटपट, झटपट, फौज, फौज, भर्ती, भर्ती, पुरस्कार, पुरस्कार, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और इन शब्दों को आपको समझना है और सीखना भी है। पाठ से आगे, साहसी बच्चों की वीरता, दोस्ती आदि से संबंधित कविताएं चुनकर कक्षा में गाओ। आप साहसी बच्चों के बारे में और उनकी वीरता के बारे में, आपकी दोस्ती के बारे में अनेक कविताएं मिल जाती हैं, उनको पढ़ो, जानो और उन कविताओं को अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में आप गा सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर पूरे हुए, अगली कक्षा में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।